हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू चैनल मैथ्स मिंट बाय कमेश आज मैं सॉल्व करूंगा क्लास टेन के लिए मैथ्स एक्सरसाइज सिक्स पॉइंट फाइव क्वेश्चन नंबर एलेवन एन बुक से चैप्टर है ट्रैंगल्स आई होप यू विल प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल थैंक्स क्वेश्चन है एन एरोप्लेन लिव्स एन एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू नॉर्थ एट ए स्पीड ऑफ थाउजेंड किलोमीटर पर आवर एट द सेम टाइम अनदर एरोप्लेन लिव्स द सेम एयरपोर्ट एंड फ्लाईज डू वेस्ट एट ए स्पीड ऑफ़ ट्वेल्व हंड्रेड किलोमीटर पर आवर हाउ फार एपार्ट विल बी दी टू प्लेन्स आफ्टर वन एंड हाफ आवर्स तो इसमें कहता है कि एक एयरपोर्ट से एक ही समय में दो प्लेन फ्लाई करता है एक नॉर्थ साइड में जाता है और एक वेस्ट साइड में जाता है जो नॉर्थ साइड में जाता है उसका स्पीड थाउजेंड किलोमीटर पर आवर है और जो वेस्ट साइड की तरफ जाता है उसका स्पीड ट्वेल्व हंड्रेड किलोमीटर पर आवर है तो कहता है वन एंड हाफ़ आवर के उड़ने के बाद दोनों एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पर होंगे तो देखते हैं मान लिया कि ये एयरपोर्ट का पॉइंट है ओ अब यहाँ से एक फ्लाइट कहाँ गया नॉर्थ गया तो ये नॉर्थ डायरेक्शन में गया हम जानते हैं पहले भी पढ़े होंगे ज्योग्राफी में अर्लियर क्लासेस में कि जो हम डायरेक्शन करते हैं उसका डायरेक्शन का मैपिंग करते हैं जो वर्टिकल लाइन अप साइड होता है वो नॉर्थ होता है डाउनवर्ड होता है वो साउथ होता है और जो राइट right साइड होता है वो ईस्ट होता है और जो लेफ्ट साइड होता है वो वेस्ट होता है ठीक है यही डायरेक्शन का मैपिंग होता है हमने अर्लियर क्लास में पढ़ा होगा ज्योग्राफी में ठीक है अब यहाँ से वो पॉइंट से दो प्लेन उड़ता है फर्स्ट प्लेन जाता है नॉर्थ डायरेक्शन में और मान लिया कि वो प्लेन पहुंचता है वन एंड हाफ आवर के बाद पॉइंट ए पर ठीक है और दूसरा प्लेन जो उसी टाइम उड़ता है वो जाता है किधर वेस्ट डायरेक्शन में वो मान लीजिए वन एंड हाफ़ आवर के बाद पहुंचता है बी पर ठीक है तो कह रहा है कि वन एंड हाफ़ आवर के बाद दोनों प्लेन का डिस्टेंस क्या होगा मीन्स डिस्टेंस ऑफ ए एंड बी ये क्या होगा ये फाइंड करना है ये डिस्टेंस टू फाइंड ये सवाल है अब है ये है फर्स्ट प्लेन इसका इस स्पीड है कितना थाउजेंड किलोमीटर पर आवर ठीक है टाइम कितना है इसके लिए वन आवर एंड हाफ वन एंड हाफ़ आवर अब ये है सेकेंड प्लेन ये है सेकेंड प्लेन है इसका स्पीड इस कितना है ट्वेल्व हंड्रेड किलोमीटर पर आवर और इसमें भी टाइमिंग क्या है वन एंड हाफ आवर ठीक है तो हम ये वन एंड हाफ आवर में कितना दूर ये जा पाएगा मीन्स ओ ए हम पहले फाइंड कर लेंगे फिर ओ बी फाइंड कर लेंगे उसके बाद ए और बी का बीच का डिस्टेंस निकालेंगे ठीक है तो लिख देंगे लेट ओ पॉइंट रिप्रेजेंट एयरपोर्ट ठीक है first plane reaches to point a first plane reaches to point a in north direction after one and half hour and second plane reaches to point b after one and a half hours and their speeds are thousand kilometer per hour and ट्वेल्व हंड्रेड किलोमीटर पर आवर ठीक है रेस्पेक्टिवली ये है तो अब देखेंगे अब लिखेंगे जो फॉर फर्स्ट प्लेन डिस्टेंस कोवर्ड इजकल टू ओ ए सॉरी ओ इक्वल टू क्या होगा इस्पीड इंटू टाइम ये डिस्टेंस क्या होगा डिस्टेंस कॉवर्ड ओ ए इजकल टू स्पीड इं टू टाइम तो ये स्पीड कितना है इसका थाउजेंड और टाइम है थ्री बाई टू टू से एक कट गया तो ये फाइव हंड्रेड हो गया तो फाइव हंड्रेड थ्री फिफ्टीन हंड्रेड किलोमीटर तो ये डिस्टेंस कितना हो गया फिफ्टीन हंड्रेड किलोमीटर ठीक है और सेकेंड प्लेन डिस्टेंस कोवर्ड इजकल टू ओ बी इजकल टू स्पीड इन टू टाइम डिस्टेंस का यही फार्मूला होता है स्पीड एन टाइम हम लोग अर्लियर क्लास से पढ़ते आए हैं तो इसका स्पीड कितना है ट्वेल्व हंड्रेड टाइम है थ्री बाई टू ये कट गया ये हो गया सिक्स हंड्रेड तो ये हो गया एटीन हंड्रेड किलोमीटर तो इसलिए ये क्या हो गया ओ भी क्या हो गया एटीन हंड्रेड किलोमीटर अब ये निकल गया अब हमको क्या करना है वी हैव टू वी हैव टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन बोथ प्लेन्स आफ्टर वन एंड हाफ आवर इक्वल टू ए बी ये ए बी होगा ये ए बी के बराबर होगा जो डिस्टेंस वन एंड हाफ आवर के बाद होगा तो ए बी ठीक है अब लिखेंगे इन इन ट्रैंगल ए ओ बी इन ट्रैंगल ए ओ बी सिंस एंगल ए ओ बी ए बी इज्कल टू नाइन्टी डिग्री क्यों तो लिखेंगे डायरेक्शंस रिप्रेजेंटेड

ये होता है डायरेक्शन का इसलिए 90 डिग्री हो गया अब लिखेंगे ए बी इजकअल टू सो बाई पाइथेगोरसोरम अब ए बी क्या हो जाएगा ए बी हाइपोटेनियस है ये 90 डिग्री हो गया इंटरसेक्टिंग लाइन्स है परपेंडिकुलरली डायरेक्शन में ये दिखाते हैं तो 90 डिग्री के अपोजिट लाइन क्या होता है हाइपोटेनियस होता है तो जो डिस्टेंस हमको फाइंड करना है वो हाइपोटेनियस फाइंड करना है ए ओ बी ट्रैंगल में जिसका परपेंडिकुलर ओ ए हो गया 1500 किलोमीटर और बेस हो गया ओ बी एटीन किलोमीटर जो अभी हमने निकाला है तो अब लिख देंगे ये क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर इजकल टू ए ओ स्क्वायर प्लस बी ओ स्क्वायर है ना तो लिख देंगे ए बी स्क्वायर इजकल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर ठीक है ओ ए स्क्वायर ओ बी स्क्वायर हो गया अब ए बी स्क्वायर इजकल टू ओ ए स्क्वायर कितना है ओ ए स्क्वायर है फिफ्टीन हंड्रेड किलोमीटर और ओ बी है एटीन हंड्रेड किलोमीटर वही डाल देंगे तो ये हो जाएगा फिफ्टीन हंड्रेड का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस ये एटीन हंड्रेड का स्क्वायर हो जाएगा ठीक है तो इससे क्या हो गया ए बी स्क्वायर इजकल टू फिफ्टीन हंड्रेड का स्क्वायर क्या होगा फिफ्टीन का स्क्वायर होता है टू हंड्रेड ट्वेंटी फाइव दो जीरो है तो फोर जीरो हो गया प्लस एटीन का होता है स्क्वायर थ्री ट्वेंटी फोर उस पर भी फोर जीरो आ जाएगा ठीक है तो अब हो गया ए बी स्क्वायर इजकल टू दोनों को जोड़ देंगे वन टू थ्री फोर जीरो हो गया फाइव फोर नाइन हो गया टू टू फोर हो गया और टू थ्री फाइव हो गया ठीक है इससे क्या हो जाएगा ए बी इजकल टू रूट ओवर फाइव फोर नाइन फोर टाइम्स जीरो हो गया अब ए बी इजकल टू क्या हो गया इसी को क्या कर देंगे इसको हम लिख सकते हैं जैसे फाइव फोर नाइन तो फाइव फोर नाइन का इसका क्या कर देंगे प्राइम फैक्ट्रेशन करेंगे फाइव फोर नाइन नाइन एटीन तो 18 आ जाता है थ्री के टेबल में इसलिए थ्री से ये होगा 18 और थ्री ये थ्री से फिर डिवाइड करेंगे सिक्स और वन सिक्सटी वन प्राइम नंबर है अब डिवाइड नहीं होगा तो सिक्सटी वन से करेंगे वन हो जाएगा तो फाइव फोर नाइन के जगह पर लिख देंगे थ्री इंटू थ्री इंटू सिक्सटी वन और फोर जीरो के जगह पर लिख देंगे हंड्रेड इंटू हंड्रेड ठीक है आ गया अब ये दो टू टाइम्स थ्री को एक ले लेंगे टू टाइम्स हंड्रेड को एक ले लेंगे तो ए बी इजकल टू रूट ओवर हटने के बाद क्या हो जाएगा ये थ्री होगा ये हंड्रेड हो जाएगा और ये रूट सिक्सटी वन रह जाएगा ठीक है अब ए बी इजकल टू कितना हो गया थ्री हंड्रेड रूट ओवर सिक्सटी वन किलोमीटर यही इसका आंसर हो गया यही डिस्टेंस है टू प्लेन्स के बीच में अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें थैंक्स